सुच्चा सिंह छोटेपुर आज कर सकते हैं अपनी अगली रणनीति का ऐलान। दरबार साहिब में टेकेंगे मत्था, दुर्गियाना मंदिर भी जाएंगे छोटेपुर। पंजाब की सियासत में चौथे फ्रंट की दस्तक, नवजोत सिंह सिद्धू, बैंस ब्रदर्स और परगट सिंह ने मिलाया हाथ। 8 सितंबर को होगा आवाजी पंजाब का आधिकारिक ऐलान। सीएम बादल बोले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसवाईएल के मुद्दे पर कैप्टन का मुख्यमंत्री बादल पर पलटवार, बोले अकाल तख्त में एसवाईएल को मंजूरी नहीं देने की शपथ ले मुख्यमंत्री। 1978 में एसवाईएल निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने से सीएम ने किया था इनकार। कश्मीर में जारी तनाव पर आज दिल्ली में होगी सर्वदलीय बैठक, कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में कश्मीर जाएगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। श्रीनगर समेत 8 जिलों में कर्फ्यू लगा। भारत और वियतनाम के बीच आज हो सकते हैं कई अहम समझौते। हनोई पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का हुआ जोरदार स्वागत, पीएम बोले इस दौरे से दोनों देशों के रिश्ते होंगे और मजबूत। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल विजेता साक्षी मलिक का आज फिर होगा सम्मान, इस बार हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज करेंगे सम्मानित। रोहतक के सर छोटू राम स्टेडियम में होगा सम्मान समारोह। और सोने में बदल सकता है पहलवान योगेश्वर दत्त को लंदन ओलंपिक में मिला ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल विजेता के बाद अब गोल्ड मेडलिस्ट भी डोप टेस्ट में हुआ फेल।